नवरात्रि पूजा में माता रानी को भूलकर भी ये चीजें कभी अर्पित मत करना, नहीं तो सारी जिंदगी बर्बाद रहोगे। नंबर एक, दोस्तों लौंग का इस्तेमाल हम सभी माता रानी की पूजा में करते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि माता रानी को सदैव फूल वाली लौंग ही अर्पित करें। जिस लौंग के ऊपर फूल नहीं होता या फिर जिस लौंग के पीछे लकड़ी की डंडी नहीं होती, उसे आप माता रानी के पूजन में भूलकर भी इस्तेमाल ना करें। नंबर दो, माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे में नारियल का पूर्ण होना अति आवश्यक है, नारियल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। नंबर तीन, माता रानी को आप तुलसी के पत्ते, दूर्वा, हारसिंगार और आग के फूल भूलकर भी अर्पित ना करें, इससे मां क्रोधित होती है। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। नंबर चार, माता रानी की पूजा में कोई भी खंडित चीज यानी कि टूटा या चटका हुआ दीपक और चटका हुआ बर्तन इस्तेमाल ना करें। इसी के साथ दोस्तों, माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट्स में जरूर लिखें जय माता।